आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो इस वीडियो को अब जरूर देखना। वैसे तो आज देश के अंदर कुछ ही जगह ऐसी बची है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने लायक कुछ ही जगह हैं जिसके अंदर है हमारा इंडिया का सिलिकॉन वैली। हाँ जी भैया, इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली कब से आ गया? इंडिया में सिलिकॉन वैली। हाँ जी, इंडिया में सिलिकॉन वैली, वहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हो उसके लिए हमारा वैसे नया वीडियो आ रहा है। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंडिया का सिलिकॉन वैली। हाँ जी, अब वैसे आपके पास मुंबई, दिल्ली। हाँ जी भैया, दिल्ली में एडमिशन क्यों लेना चाहिए आपको? अब वैसे आपको दिल्ली में एडमिशन लेने के क्या क्या फायदे हैं वैसे? हाँ जी, आप कश्मीर से हो, आप कन्याकुमारी से हो। वैसे बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे थे भैया मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, अब 12th पास किया है, अब रोज रोज घर आए भैया, खाना खाए, अब कोई बात नहीं, तुम जो दिल्ली में एडमिशन ले लो भैया। अब दिल्ली से एक रेलगाड़ी जा रही है, एक आ रही है, बस का भी है, आपको ट्रेन का भी है, आपको फ्लाइट भी मिल जाएगा डायरेक्टली। हाँ जी, आपको कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी जाना, देश के हर कोने में कहीं भी जाओ, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। जी भैया, आपको टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आपको जो है टेक्नोलॉजी मिल जाता है, आपको फैसिलिटी तो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अब सो बी प्रेफर दिल्ली। हाँ जी, अब आजकल क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लड्डू लाल काउंसिलर आ गए भैया, अब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, इतनी कम रेट आई है आपकी, अब कोई बात नहीं, हमारा सेमिनार हो रहा है फ्री के अंदर, आप लोग उसके अंदर आ जाओ। अच्छा भैया, आप सोचते हो भैया फ्री में हो रहा है, वो भी दिल्ली में हो रहा है, कोई बात नहीं, पटना में हो रहा है, अच्छा तो चलते हैं भैया, चलते हैं फ्री के अंदर, जाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स और घर वाले और बच्चे जाते हो भैया फ्री के अंदर सेमिनार है, पैसा भी नहीं लग रहा, होटल में फ्री में बैठने को मिलेगा, आप जाते हो, आपको वहाँ पे बताया जाता है। अच्छा अच्छा भैया, इतने लाख रैंक पे आपको लल्लू लाल कॉलेज मिल जाएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब ये बिहार में कॉलेज है, ये झारखंड में कॉलेज है, आप जो इसमें एडमिशन ले लो। हाँ जी, अभी क्या हो रहा है, एडमिशन कॉलेज में एडमिशन आपको पढ़ना क्या चाहिए, इसके लिए हमने पूरा कंप्लीट एडमिशन वीडियो बनाया इसके लिए भैया, आपको इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड क्या है इस टाइम पे। हाँ जी, अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की, वो नौकरी की। हाँ जी, नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 4 साल बाद प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अब बहुत सारे काउंसलर क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अब तेरे 5 लाख रैंक आई है, तेरे 6 लाख रैंक आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात तेरे को मैं ना सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा देता हूँ, एग्रीकल्चर तू कर ले, तू माइनिंग कर ले। अरे लल्लू लाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है। एक हमने वीडियो बनाया आपके लिए स्पेसिक, हाँ जी भैया, जॉब्स कैसे जा रही है, कौन कौन सी जॉब बचेगी 4 साल बाद, ये जो टाइम है सबसे ज़्यादा क्रूशियस टाइम है कि आप जो फील्ड कैसे चूज कर रहे हो भैया, कौन सी फील्ड चूज कर रहे हो, आप कैसी फील्ड चूज कर रहे हो, 4 साल बाद नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। हाँ जी, आपने अभी कोई इंजीनियरिंग शुरू की भैया, 4 साल तक बच्चा के पढ़ाई की, हॉस्टल में अपना जीवन गुजारा, 4 साल बाद पता चले आपकी तो वो नौकरी बची नहीं भाई साहब, आपकी नौकरी तो है ही नहीं, वो तो रोबोट कर रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी कर रही है। अब ऐसा ही हमारा एक वीडियो मिशन को शेयर पे आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको दिख रहा है भैया ये होटल वाले जो वेटर थे उनकी नौकरियां कहां चलेगी, हां कहां गए वो वेटर, होटलों में नौकरी करने वाले लोग, इन सब को छोड़ते हैं, बात करते हैं आज हम दिल्ली की। हां जी, आप दिल्ली में एडमिशन कैसे ले सकते हो भैया? वैसे तो दिल्ली में एडमिशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, अब जैसा कि जेक दिल्ली हो गया, उसके बाद में आपका एक IPU का काउंसलिंग चलता है, उसके बाद में आपका CUET का काउंसलिंग चलता है, ये हमारा Part 1 रहने वाला है, इसके अंदर बात करेंगे जेक दिल्ली की। भैया ये जेक दिल्ली क्या है, ये कैसे एडमिशन ले, दिल्ली के टॉप कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना रैंक चाहिए, कट टॉप, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, मार्क्स प्रोसेस क्या रहेगा भैया। अब बहुत सारे लल्लू लाल काउंसलर भी आ रहे हैं हमको बताने के लिए। हाँ जी, आजकल तो कॉलेज वाले बच्चे भी बहुत आते हैं आपको बताने के लिए, अच्छा अच्छा मैं तुमको बता देता हूँ, मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, और उसके खुद के 10-10 सप्लियारी, और वो तुमको बता रहे भाई करियर ऐसे चूज करो, तुम ऐसे करियर चूज करो, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट में इतना प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो खुद नौकरी ढूंढ रहा है, और वो तुमको गाइड करा भैया तुम माइक्रोसॉफ्ट में इतना प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, मैं तुमको कोडिंग भी सिखा दूंगा, मैं इस कॉलेज में तो इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, तुम उसे कोडिंग भी सीख लो, तुम उसे 5,000 का कोर्स भी ले ले भाई, ऐसे बहुत सारे लल्लू लाल मिल जाएंगे। अब डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी भैया, जेक दिल्ली की बात करते हैं, अब क्या है ये जेक दिल्ली? हाँ जी, अब ये जो जेक दिल्ली है वो दिल्ली के 5 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की एक बॉडी है। हाँ जी,
पांच स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं जिसके अंदर आपका NSUT, हाँ जी, DTU, IGDTU, IIIT दिल्ली और उसके बाद में एक DSU नाम का कॉलेज आता है। ये पांच कॉलेज हैं, इनकी एक बॉडी है गवर्नमेंट की। अब जो क्या करती है, वो बोलती है भैया अच्छा अच्छा तुमको एडमिशन लेना इन पांचों कॉलेजों में, अब कोई बात नहीं, तुमको जो है अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब तुम आके जो है मेरे पास आके अप्लाई कर दो और जो है इन पांचों कॉलेजों में मैं तुम्हारा एडमिशन कर दूंगा। अब ये होती है काउंसलिंग बॉडी, हाँ जी, जो गवर्नमेंट की होती है। तो वो तुमको बोलता है भैया तू मेरे पास आ जा, अब कोई बात नहीं, तेरे अगर मार्क्स अच्छे हैं अब तो मैं जो है इन तीनों पांचों में देख के तेरा किस में हो रहा है उसमें एडमिशन कर दूंगा। ये क्या होता है, ये काउंसलिंग बॉडी होती है। वैसे इसमें एक तो गर्ल्स कॉलेज है, हाँ जी भैया, जो कि फुली गर्ल्स कॉलेज है, अब जो कि आपको दिख रहा होगा IGDTU, हाँ जी। और वैसे ये क्या करता है, ये बोलता है भैया एडमिशन जो है मैं नई जेई मेन के बेसिस पे लूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दुखी हो जाएंगे, भैया ये जेई मेन एग्जाम बहुत कठिन होता है, अब बहुत नंबर लाने पड़ते हैं इसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो वैसे जो जेक दिल्ली है ना, इसने अलग अलग रूल बना रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। वैसे आपने सुना होगा परिवार में अपने तो अपने ही होते हैं जी, वो जेक दिल्ली भी बोलता है भैया अपने तो अपने ही होते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपने लोगों को एडमिशन दूंगा, अब यानी कि दिल्ली वालों को ही दूंगा। अब जो जेक दिल्ली को बोलता है भैया दिल्ली वालों को कैसे दे, बाहर वाले नाराज हो जाएंगे, अब कोई बात नहीं, ठीक है अब 15% बाहर वालों को भी दूंगा और बाकी मेरी 85% सीटें अब दिल्ली वालों को दूंगा। अब अच्छा लोगों ने कहा ठीक है भैया। तो इसके अंदर सिंपल रूल है, आप अगर दिल्ली से हो अब तो आपको जो है 85% सीटें के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि अगर टोटल 100 सीटें हैं तो आप अगर दिल्ली से हो तो आपको सीट 85 से मिलेगी, अगर आप दिल्ली के बाहर से हो तो आपको जो सीटें हैं अब वो 15% से मिलेगी, हाँ जी। अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भैया हम तो दिल्ली की सेवा कर रहे हैं कितने सालों से, हाँ जी, कोई डॉक्टर है राजस्थान से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पश्चिम बंगाल से, अब कोई पुलिस है, कोई आर्मी में है, अब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, अब वो वहाँ पे जॉब करें भैया पिछले कई सालों से, हाँ जी। अब दिल्ली ने कहा अच्छा भाई अब तुम जॉब कर रहे हो, अब तुम हमारी मदद करें, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी हम 85% में रख लेते हैं, तुमको भी हम दिल्ली का कोटा देते हैं, अब कोई बात नहीं। दूसरा ये हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं जगह जगह से आते, भैया कोई बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान से आया दिल्ली में, अब कोई IT की जॉब कर रहा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई कुछ कर रहा है, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूलों ने बोला भैया अच्छा अच्छा तुम्हारे बच्चे जो भी दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है उनको हम 85% में कंसिडर करेंगे, चाहे वो कहीं से भी हो, भैया तू दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से है, तेरे पास कहीं का भी रेसिस्टेंस है, कहीं भी रहे मुझे नहीं लेना देना, अगर तू दिल्ली के कॉलेज में पढ़ा है, अगर तू किसी दिल्ली के कॉलेज में पढ़ा तेरे को 85% के क्राइटेरिया में रखूंगा। अब ये क्या होता है, एक ओपन एग्जाम होता है, आपने सुना होगा NIOS, हाँ जी NIOS, दिल्ली ने कहा भाई अगर तेरा सेंटर दिल्ली में पढ़ा NIOS का, अगर तूने दिल्ली आके दिल्ली के सेंटर में एग्जाम दिया है, तू कहीं से भी है, अगर तेरा सेंटर दिल्ली के अंदर पड़ा है NIOS का, कोई बात नहीं, तेरे को भी मैं 85% के क्राइटेरिया में रखूंगा, भैया तेरे को भी 85% से सीटें दूंगा। ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जेक दिल्ली की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, भैया आप किसके लिए एलिजिबल हो, हाँ जी, आप दिल्ली के कोटा के अंदर आते हो कि नहीं आते हो। अब उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस की, हाँ जी। अब वैसे दिल्ली बोलता है अच्छा अच्छा अब तू दिल्ली से है, अब तू दिल्ली के बाहर से, कोई बात नहीं, तू आके मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा दे भाई, वह थोड़ा पैसा भी दे दे, हाँ 1500 रुपये लेता है, वैसे ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पैसा है, अच्छा अच्छा तूने पैसा जमा करा दिया, अब कोई बात नहीं अगर तू लड़का है, तो अगर तू मेल कैंडिडेट है तो सिर्फ तेरे पास 4 कॉलेज के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अब 4 कॉलेजों में इतनी सारी ब्रांचें हैं, एक एक करके तेरे को जो अच्छी लग रही है वो भर के मुझे दे दे भाई, तो जो तेरे को अच्छी लग रही है वो मेरे को भर के, वो लॉक करते हैं उसको, एकदम लॉक करते हैं, हाँ लॉक तेरे को करना पड़ेगा, मैं तेरे को वापस नहीं कॉल ले दूंगा अगर तुमने लॉक कर दिया। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 5 कॉलेजों के ऑप्शन है, हाँ जी, अब तुम जो 5 कॉलेजों को अब भर दो, ये फीलिंग कर दो उसकी और लॉक कर दो उसको, उसके बाद में तुम्हारे लिए राउंड निकालूंगा मैं, और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके अंदर राउंड में भी उसने अलग अलग ऑप्शन लगा रखे हैं जी। अब जैसे ही आपने, आपके अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो वो क्या करता है, आपको सीट प्रोवाइड करता है, भैया तेरे को ये कॉलेज का ये सीट मिला, हाँ जी, इस कॉलेज का ये ब्रांच मिला है,
अब बता, अब तेरे पास कुछ ऑप्शन है। एक उसके ऑप्शन ऑप्शन होता है एक्सेप्ट, फ्लोट और फ्रिज। हाँ जी भैया, ये क्या गेम है ये? एक्सेप्ट, फ्लोट, फ्रिज क्या होता है? हाँ जी, अब फ्रिज का मतलब होता है बंद। हाँ, अब तूने एडमिशन ले लिया, कोई बात नहीं, पैक तू इसके अंदर चला जा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं भैया, अब एडमिशन मिल गया ये तो अच्छी बात है, ये जो ब्रांच मिली है ठीक है, अब लेकिन अगर मुझसे इससे थोड़ा अच्छा और मिल जाए भाई, अगर इससे ऊपर वाला थोड़ा और अगर मुझे अच्छा मिल जाए तो मजा आ जाता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता अच्छा अच्छा, तेरे को जो मिला है वो उसको तू रखना चाहता है, लेकिन तेरे को और भी थोड़ी चाहत है भाई, थोड़ा सा और मिल जाए तो मजा आ जाए, तो कोई बात नहीं तू फ्लोट लगा दे भाई, तू फ्लोट लगा दे। तूने जो चॉइसेस भरी है उसके ऊपर वाली में से कोई अगर तेरे को मिलेगी अब तो तुमको जो वो सीट में दे दूंगा, और तेरी जो अभी जो सीट है वो मैं किसी और दूसरे को दे दूंगा। अगर तेरे को नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये जो तेरे को सीट मिली है वो ही तू रख लियो। हाँ जी, अब तो आप जो फ्लोट लगा दो। हाँ जी भैया, अब बहुत सारे बोलते भाई मेरे को तो तेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेक दिल्ली की काउंसिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। हाँ, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा तू जा, तेरे 1500 रुपए गए, तू चला जा, तू चला जा, तू निकल, हाँ विड्रॉ कर दे तू। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेक दिल्ली से बोलता है विड्रॉ कर, तू विड्रॉ कर दे। अब तो ये रहता है सिंपल काउंसलिंग का प्रोसेस, और उसके कोई, अब इसके अंदर कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी। हाँ जी, अब इसको मतलब बहुत ज्यादा उथाल पुथाल के रखे। अब ये काउंसलर क्या करते हैं? हाँ जी भैया, आजकल मार्केट के अंदर अब बहुत सारे काउंसलर आ चुके हैं, अब कुछ अच्छे काउंसलर हैं और कुछ बुरे एजेंट्स हैं। अच्छे काउंसलर आपको सही से गाइड करते हैं, कम पैसे लेते हैं, अब बुरे काउंसलर आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं और ज्यादा पैसे भी लेते हैं। अब दोनों के अंदर बात करेंगे, एक इथिकल है और एक नॉन इथिकल है। हाँ जी, बुरे एजेंट है। अब आजकल देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी भैया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब लेकिन अगर आप एक लल्लू लाल जगह जा रहे हो भाई, अगर आजकल बहुत सारे आते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ भाई अब तेरे इतने लाइन का ये कोई बात नहीं, उस स्टेट का, उस जिले का वो लल्लू लाल को ले तू जाके दे ले। आप पहले सीख तो लो पहले आप फ्यूचर के अंदर क्या क्या आने वाला है भाई। अब आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स खुद नहीं देखते भाई जो हम, अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या है, ये कोचिंग वाले आपको नंबर तो ला दे रहे भाई, 2 लाख रैंक आ गई, तेरे 3 लाख रैंक आ गई, लेकिन आप उसका कम से कम ठीक से यूज तो करो आप। हाँ, आप 5 लाख रैंक आई आपकी, हाँ जी 5 लाख रैंक आई, अगर आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, आपके पास कितनी फैसिलिटीज, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, फंडिंग है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी है, बहुत सारे फैक्ट्रीज भी है, आप यहाँ पे जो है टैलेंट को हायर भी किया जाता है, लेकिन आप वही आप नॉन आईआईटी किसी लल्लू लाल कॉलेज में 5 लाख रुपए तो आप दे रहे भैया, किसी शहर में चले गए, आप छोटे शहरों में, गाँव में चले गए, आप कौन सुनेगा आपकी? हाँ जी, आप कौन सुनेगा आपको? कोई नहीं, लाइट तक नहीं आती बहुत सारे कॉलेजों में, हॉस्टल के अंदर बच्चे बैठे रहते हैं भैया 2-2 साल तक लाइटें नहीं आ रही हॉस्टल में, और ये रात को सो रहे हैं आराम से, चिल्ला रहे हैं भाई लाइट चली गई हॉस्टल में, लाइट चली गई 2 दिन बाद आएगी। अब देश के हालात तो वैसे खराब होते जा रहे हैं, अब डोंट वरी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए कॉलेज जानकार। हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने आपके लिए ना थीम बना के, अलग अलग थीम भाई, अब ये इंजीनियरिंग, ये रॉकेट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अब ये आप जो कोडिंग सीख लो भाई, हाँ जी कोडिंग सीख लो आपके लिए, आप जो सिलिकॉन वैली में कैसे एडमिशन लो, हमारे पास जो है 30 से 35 सिटीज है, जैसे कि इंडिया का सिलिकॉन वैली, हाँ जी क्या है इसके लिए अलग वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हो, इंडिया का सिलिकॉन वैली किससे आप बोलते हैं। वैसे इंडिया का सिलिकॉन वैली में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, हाँ जी आपको जो है ड्रोन टैक्सी इंडिया के सिलिकॉन वैली में, इंडिया में पहली बार आपको मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, इंडिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ पे, इंडिया के सिलिकॉन वैली में, सिर्फ आप जो मुंबई जाओ, मुंबई इज द बेस्ट प्लेस, उसके बाद दिल्ली भी कम नहीं है वैसे, अब दिल्ली के अंदर आपका गुड़गांव, अब ये नोएडा, हाँ जी आजकल दिल्ली में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आ रही है, वैसे दिल्ली के अंदर काफी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी है, काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है, अब जो भी आपको आसानी से मिल जाता है दिल्ली के अंदर। अब हम क्या करते हैं आपको, हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं, हाँ जी इंजीनियरिंग इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट काउंसलिंग प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी दुनिया का एकदम डंके की चोट के साथ बोलता हूँ मैं, हाँ जी आप कोई नहीं कर सकता ऐसा, आप एक पिज्जा
आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, हम आपको हमारे देश की सारे जन्नत इंस्टीट्यूट की शेयर करा देते हैं भाई। हाँ जी, आपके सारे इंडिया के सारे जन्नत इंस्टीट्यूट की शेयर भाई, ये IIT NIT टायर 1 टायर 2 टायर 3 लल्लू लाल, आजकल तो लल्लू लाल कॉलेजों की तो बोर्ड बैंड बजाई हमने। हाँ जी, आप लोग भी जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम। आपको लाइव टू लाइव सेशन आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा भाई 4 साल बाद तेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तेरे को किस ब्रांच की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वो जमाना चला गया भाई, अब हम आपको सिविल जाएंगे, मैकेनिकल जाएंगे, माइनिंग जाएंगे, नो, अब आपको किस में जाना, आपको जाना है टेक्नोलॉजी बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। हाँ जी, आजकल तो नई नई फील्ड भी आ रही मार्केट के अंदर, किस किस में आप आगे बढ़ सकते हो, एविएशन केयर में करियर कैसे बना सकते हो, रॉकेट साइंटिस्ट कैसे बनोगे, मिसाइल कैसे उड़ाओगे, आजकल तो उड़ने वाली कारें आ रही है। हाँ जी, आपने बहुत सारी देखी होगी, एयर टैक्सी भी लॉन्च कर दी गई है, अब कैसे करोगे, क्या करोगे, डोंट वरी, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है collegejankar.com, जस्ट विजिट नाउ, इनरोल नाउ, और आप देखते जाओ आप। हाँ जी, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, बार बार बता रहा हूं, कोई नहीं है चक्कर में, पड़े हो किस टक्कर में।